हाय फ्रेंड, आज मैं आपको विंडो एसी के बारे में बताऊंगा। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं और इसके नाम क्या है, तो चलिए हम वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो ये देखिए विंडो एसी है, ये एसी है। इसमें कॉइल और कंडेंसर दोनों एक में ही आता है। अपना स्प्लिट एसी में क्या दो यूनिट आते हैं ना, ये इंडोर साइड अंदर रहता है, आउटडोर साइड बाहर रहता है। इसमें दोनों का एक ही में आता है। ये देखिए, ये इंडोर साइड का रहता है जिसे हम लोग कूलिंग कॉइल कहते हैं, ये आउटडोर साइड हो गया जो जिसे हम कंडेंसर कहते हैं। और ये इसका केसिंग है, ये केसिंग ही फिटिंग होता है। केसिंग के अंदर ये अपना एसी आता है। ये देखिए, ये केसिंग है, केसिंग के अंदर ही ये विंडो एसी फिटिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर में दो लाइन आते हैं। ये देखिए, डिस्चार्ज लाइन है, ये सेक्शन लाइन है। डिस्चार्ज लाइन का काम होता है गैस को हाई प्रेशर से कंडेंसर की तरफ फेंकना। और ये है अपना सेक्शन लाइन, इसका काम होता है कि लो प्रेशर गैस को अपने अंदर खींचना। तो ये खींचने का काम करता है। ये देखिए, ये कंडेंसर, ये कंडेंसर है, कंडेंसर कॉइल। ये अपना कैपिलरी है, देख सकते हैं। ये प्रेशर को, गैस को हाई प्रेशर से कंडेंसर में फेंकता है। फिर ये कंडेंसर में घूमते हुए गैस अपना ये स्ट्रेनर में आता है, स्ट्रेनर से कैपिलरी में आता है, कैपिलरी से अपना गैस कॉइल में आता है। ये देखिए, कैपिलरी या कॉइल में आके ज्वाइंट हो गया, ये देख सकते हैं, कॉइल में आके ज्वाइंट हो गया। कॉइल में आता है गैस, गैस कॉइल में आने के बाद ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद जब बाहर रूम का जो हवा रहता है उसको ब्लोअर के थ्रू खींचता है। खींचने के बाद जब हवा इससे टकराता है कॉइल से, तो हवा ठंडा हो जाता है। फिर इधर से हवा को रूम में फेंक देता है। फिर यहाँ से अपना गैस ये सेक्शन पाइप के थ्रू, ये सेक्शन पाइप है, ये देख सकते हैं मोटा वाला, ये सेक्शन पाइप के थ्रू अपना गैस लो प्रेशर के साथ कंप्रेसर के अंदर चला जाता है। ये कंप्रेसर का काम है। और ये है मोटर, ये देख सकते हैं, ये मोटर है। ये अपना फैन ब्लेड है, ये हवा को बाहर की तरफ फेंकता है कंडेंसर को ठंडा करने के लिए। इसकी वजह से कंप्रेसर पर लोड नहीं आता है, ये कंडेंसर को ठंडा करता है। और इसमें आता है ब्लोअर, इसमें अंदर ब्लोअर है, ये पूरा खोले नहीं अभी। ब्लोअर का काम है हवा को अपने तरफ खींचना। तो ये था विंडो एसी का। और ये देखिए, ये सेलेक्टर स्विच वाला है, इसमें पीसीबी वाला नहीं है। तो यहाँ से हम लोग ऑपरेट करते हैं, फैन स्पीड, कूलिंग, जो भी सेटिंग करना रहता है इससे होता है। ये इसका स्विंग पट्टी है, इसमें कूलिंग कॉइल है, इसको कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं, ये ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो जिस हिसाब से हो, बहुत लोग ये ऑपरेटर भी बोलते हैं, कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं। ये देखिए, ये कंप्रेसर का एक एक्युमुलेटर है। इसका काम रहता है कि रेफ्रिजरेटर को यहाँ पे होल्ड करना, मतलब जो भी गैस यहाँ से आता है यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है। फिर इसमें से ये नीचे के थ्रू पाइप गया है, निकला हुआ, देखिए यहाँ से पाइप निकला है, वो इधर से कंप्रेसर में चला जाता है। तो आप देख लिए इसका काम कैसे करता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।